जय विश्व आदिवासी दिवस। इस विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी सत प्रकृति सर्ण धर्म प्रार्थना सभा के परिवार वालों की तरफ से देश के और देश से बाहर विश्व में जितने भी आदिवासी परिवार के लोग हैं उन्हें बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और इस दिवस के शुभ अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। हम विश्व के आदिवासियों को एक ऐसे मंच में लाने का एक प्रयास 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि विश्व के आदिवासियों को एक मंच में लाएं, ताकि आदिवासियों का जितने भी विदेशों में हैं या विश्व में कहीं भी हैं सभी का महत्व हो सके। इस तरह से मानसा रख के एक हमारे आदिवासियों के बीच में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे उलझने जो है वो समस्याओं को देखते हुए, और हम आदिवासी बहुत संख्या में हैं फिर हमें उपेक्षा किया जाता है, मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बड़ा रूप में है, हमें बंधुआ मजदूर की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक हुआ और अलग अलग देशों से बुद्धिजीवी लोग आए और एक निर्णय लिए कि विश्व में जितने भी आदिवासी हैं सभी का ध्यान देश में और विदेश में हो रही समस्याओं के प्रति दिला पाएं। इन्हीं समस्याओं को देश के बीच में रखने और हम आदिवासियों को आगे कैसे संगठित हो सके, कैसे हम अपने आप को महसूस कर सकें कि हम एक देश ही नहीं, हम एक विदेश मतलब विश्वव्यापी हमें सोच रखना होगा। हम अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने राज्य, अपने जाति, अपने धर्म और अपने देश तक ही सीमित नहीं, ये हमारे विश्व आदिवासी दिवस का जो आज 9 अगस्त को मनाते हैं ये हम सभी लोगों को एक प्रेरणा देती है कि हम सभी जितने भी आदिवासी चाहे कहीं भी हो सभी की समस्याएं, सभी की दिक्कतें, सभी की जो उपेक्षाएं की जाती है उस सभी का समस्याओं का समाधान हम मिलजुल के करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सोच है विश्व के आदिवासियों, अपने आप को समझो और महसूस करो कि हम विश्व में जितने भी आदिवासी हैं सभी एक परिवार के हैं। इसीलिए हम सभी को कुछ इस तरह से जो संगठन हमारे जो बनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस, इस आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह से सोच और विचार के साथ में आज हम और हमारे जो परिवार या हमारे जो संगठन है उन लोगों ने सोचा और विचार किया कि हम कुछ इस तरह से संगठन का नाम लें जो कि पूरा विश्व के आदिवासी उनको स्वीकार कर सकें। इसी उद्देश्य और मानसा के साथ में हमारे जो टीम है वो टीम इस प्रकार से नाम दी है, आदिवासी सत प्रकृति सर्ण धर्म प्रार्थना सभा। मतलब सत्य की राह पर चलना है,
पवित्रता की राह पर चलना है, कभी समाप्त नहीं होने वाले उस सुपर पावर के संग होते हुए हम सरना और प्राकृति की जो बातें करते हैं, सभी लोग समावेश हो सकें, इस संगठन में आ सकें, ये उद्देश्य और इस विचार के साथ में ये हम लोगों ने इस तरह से संगठन हम लोग दिए, नाम दिए। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, ये शुरुआत 1982 से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाने का निर्णय हुआ। उस संघ में बैठे हुए सभी लोगों ने एक सुर में और एक आवाज़ में इस चीज़ को स्वीकार किए कि सचमुच हमें प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी लोगों के लिए एक बड़ा दिन होगा और उसमें जितने भी आदिवासी लोग हैं अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ रहते हैं वहाँ मनाएं। इस तरह से सोच विचार करके एक कार्य दल की गठन हुआ जो कि आज बृहद रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैं जो भी इस संगठन में या जो भी इस प्रकार से पहल किए 1982 में, उन्हें मैं अपने तरफ से तहे दिल से और पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ में बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मेरे संगठन और मेरे झारखंड और पूरे आदिवासियों की ओर से, जब हम आदिवासी बात करते हैं कि हम आदिवासी हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम प्राकृतिक की पुजारी हैं, यानी प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितने भी जीव है, जंतु है, पर्वत है, नदियां हैं, नाले हैं, धरती हैं, सभी का हम लोग पूजा करते हैं और साथ साथ में इन सभी को बनाने वाला जो धर्मेश है, चाला माँ है, उनको भी हम लोग पूजा और प्रार्थना करते हैं। हम आदिवासी इसी धरती में रहते हैं और धरती से ही, जमीन से ही या मिट्टी से ही सब कुछ बनता है, तो धरती माता को सबसे हम लोग आगे रखते हैं। और आज सरना झंडा विस्तार दे रही है झारखंड में, गांव गांव में, और उनका रूप भी दिखाई दे रहा है। तो हम आदिवासियों को ये भी बता रहा है कि सरना झंडा जो है वो झंडा को आगे कीजिए और उस झंडे के नीचे जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी प्राकृति की पुजारी है, सभी लोग उनके पीछे आइए। हम अलग अलग संगठनों में, अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सभी का एक ही मनसा है, एक ही विचार है कि हम आदिवासियों का जो शोषण, धर्म का शोषण, शिक्षा का शोषण और हमारे बहुत सारे जो हमें हतोत्साहित या हमें कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है, उस प्रयास को हमें ना सफल होने देना है, ताकि हम सभी लोगों को समझ सके, बता सके हैं कि इस आदिवासी दिवस में हमें एक शपथ लेना है और बड़ा सोचना है, छोटा नहीं। हम लोग छोटे छोटे सोच सोच के परेशान रहते हैं, हम विश्व के आदिवासियों को अपना परिवार मानते हुए सभी का हित, सभी का भला और सभी का अच्छा हो, इस तरह से हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना और रियल में सही मायने में सोचेंगे। तो मैं आगे फिर बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष 2020 को हमारे झारखंड सरकार, सीएम मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने 9 अगस्त को राज्य के अवकाश की घोषणा की। ये हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य जो है आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी प्रकृति के पुजारी बहुत है। तो उनका भावना और उनका कदर करते हुए जिस तरह से हमारे सीएम वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा की थी कि 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अवकाश किया जाए, ताकि अच्छी तरह से धूमधाम को इस दिन को मना सके। आज उसी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति में,
प्रत्येक लोगों में जगह जगह पर मनाने के लिए पहल कर रहे हैं। आइए हम सारे आदिवासी परिवार के तमाम लोगों को इस प्रकार से कुछ अच्छे काम करना है और बेहतर काम करना है, ताकि हम आपसी जो मनमुटाव, आपसी जो फूट फाट होते हैं, इस तरह से ना होते हुए अलग अलग संगठनों में, अलग अलग तरीकों में, अलग अलग व्यवहारों में काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मनसा एक ही है। हम आपस में ही ईर्ष्या द्वेष ना करते हुए, सबको समझते हुए, आपस में निंदा शिकायत ना करते हुए, हमें अपने विचार और अपने भाव को एकदम बिल्कुल सबके प्रति अच्छा सोचते और बेहतर सोचते हुए एकदम शिकायत को सुन्न कर देना है, और जो गलत कर रहा है या कुछ भी हो कर रहे हैं उन्हें हमारे चालामा, हमारे धर्मेश देख रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, और इसी सोच विचार के साथ में मैं इस सुंदर सा अवसर पर मैं बताना चाहूँगा, और ये जो आदिवासी सत्य प्राकृति सरण धर्म प्रार्थना सभा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी मैं इसमें लिख के डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत और हमारी जो मानसा है उस मानसा के प्रति हम बिल्कुल उजागर और ओपन होके बताना चाह रहे हैं। तो चलिए, इस विश्व आदिवासी दिवस में मैं अंत में और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जीवन और आपका आपके परिवार का बहुत ही अच्छा खुश मिजाज हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो, एक दूसरे के सहयोग की भावना उजागर हो, और विश्व के आदिवासियों को हम एक और एक समझ के सबका हित और सबके लिए हम अच्छाएं दुआएं करेंगे। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय चाला, जय विश्व आदिवासी दिवस।